परिचय आज हम संबंधों और फलनों का अध्ययन करेंगे संबंध क्या होते हैं सर संबंधों को आसान भाषा में एक माता और एक पुत्री पिता और एक पुत्र तथा शिक्षक और छात्र के संबंध के रूप में समझा जा सकता है ठीक है सर तो फलन क्या है फलन संबंधों के विशेष प्रकार हैं, क्योंकि ये दो अवयवों के मध्य जुड़ाव के नियम को दर्शाता है इस पाठ में आप दो अरिक्त समुचियों की दो वस्तुओं के मध्य संबंधों को जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो क्रमित युग्म की समता की जांच करना समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना समुच्चयों के मध्य संबंध ज्ञात करना दिए गए समुच्चयों से फलन ज्ञात करना समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रमित युग्म मान लें कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अरिक्त समुच्चय हैं यदि ए कैपिटल ए का अवयव हो तो बी कैपिटल बी का अवयव है तब ए बी का एक अवयव एक क्रमित युग्म कहलाता है जहां ए को पहला अवयव तथा बी को दूसरा अवयव माना जाता है नीचे दी गई आकृति में बारह पांच क्रमित युग्म है दो क्रमित युग्म की समता दो क्रमित युग्मों ए बी और सी डी को बराबर कहा जाता है यदि और केवल यदि ए बराबर सी और बी बराबर डी क्रमित युग्म बारह पांच और बारह पांच बराबर हैं जबकि क्रमित युग्म बारह पांच और पांच बारह भिन्न हैं। मान लें कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अरिक्त समुच्चय हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी के गुणन को सभी क्रमित युग्मों ए बी के समुच्चय के रूप में परिभाषित करते हैं जहां ए अवयव है कैपिटल ए का तथा बी अवयव है कैपिटल बी का प्रतीक रूप में कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी बराबर ए बी इस प्रकार कि ए अवयव है कैपिटल ए का और बी अवयव है कैपिटल बी का उदाहरण पर विचार करें यदि कैपिटल ए बराबर ए बी सी और कैपिटल बी बराबर एक दो तब कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी बराबर ए एक ए दो बी एक बी दो सी एक सी दो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी का आलेखीय निरूपण यदि कैपिटल ए या कैपिटल बी रिक्त समुच्चय हो तो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी भी रिक्त समुच्चय होगा इसका अर्थ है कि कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी बराबर फाइव महत्वपूर्ण तो बिंदु मान लें ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं यदि ए में एम अवयव हों और बी में एन अवयव हों जिसका अर्थ कि यदि एन ए बराबर एम और एन बी बराबर एन तो ए और बी के कार्तीय गुणन में एम गुणा एन अवयव होंगे अर्थात एन ए क्रॉस बी बराबर एम गुणा एन इसे भी इंगित करता है कि एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए यदि या तो ए या बी एक अपरिमित समुच्चय हो तो कार्तीय कुड़न फल अर्थात ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होता है यदि ए क्रॉस ए क्रॉस ए बराबर एक्स वाई जेड इस प्रकार कि एक्स वाई जेड ए के अवयव हों यहां ए बी सी एक क्रमित्रिक है उदाहरण यदि ए क्रॉस बी बराबर ए एक बी तीन ए तीन बी एक ए दो बी दो हैं तो ए और बी करें हल दो समुचियों ए और बी के कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में समुच ए ए क्रॉस बी में क्रमित युग्मों में सभी पहले अवयवों का समूह है इस प्रकार जो दिया है उसके लिए ए क्रॉस बी बराबर ए एक बी तीन ए तीन बी एक ए दो बी दो समुच्च ए बराबर ए पी पुनरावृत्ति को छोड़ने पर और समुच्चय बी बराबर एक दो तीन ए क्रॉस बी में क्रमित युग्मों में सभी दूसरे अवयवों का समुच्च है संबंध माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी के मध्य संबंध आर एक क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है उपसमुच्चय को एक क्रॉस बी में क्रमित युग्म के पहले अवयव और दूसरे अवयव के मध्य संबंध की व्याख्या करते हुए प्राप्त करते हैं दूसरा अवयव पहले अवयव का प्रतिबिंब कहलाता है प्रतीक रूप में A और बी के मध्य संबंध को हम इस प्रकार लिखते हैं संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी अस्तित्व में होता है यदि और केवल यदि संबंध आर ए और बी के कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चे हो और अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण पर विचार करें यदि ए बराबर एक तीन पांच बी बराबर शून्य दो चार छ और ए से बी में आर से कम संबंध हो तो आर परा एक दो एक चार एक छ तीन चार तीन छ पांच ए से बी में संबंध आर को तीरों द्वारा निरूपित किया जाता है एक समुच्च ए से एक समुच्चय बी में एक संबंध आर में क्रमित युग्मों के सभी पहले अवयवों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है एक समुच्चय समुच्चे से एक समुच्चय बी में एक संबंध आर में क्रमित युग्मों के सभी दूसरे अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है पूर्ण समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है परिसर सह प्रांत का एक उप समुच्चय होता है इसका अर्थ है कि परिसर का प्रत्येक अवयव सहप्रांत का भी एक अवयव होता है महत्वपूर्ण बिंदु एक संबंध का पीजीए निरूपण या तो रोस्टेड विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जा सकता है एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि उदाहरण मान लें ए बराबर एक दो तीन और बी बराबर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ए से बी में रोस्टर विधि द्वारा एक संबंध आर इसका वर्ग के रूप में हो स्थापित करें हल ए से बी में संबंध आर को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है आर बराबर एक एक दो चार तीन नौ संबंध का दृष्टि चित्रण नीचे प्रदर्शित है मान लें ए बराबर दो चार छ आठ और बी बराबर एक तीन पांच सात नौ ए से बी में एक संबंध आर से एक अधिक को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा परिभाषित करें हल दिया है ए बराबर दो चार छ आठ बी बराबर एक तीन पांच सात नौ ए से बी में एक संबंध आर को इस प्रकार लिखा जा सकता है आर बराबर दो एक चार तीन छ पांच आठ सात तब समुच्चय निर्माण विधि में आर को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है एक्स वाई इस तरह से है कि एक्स ए के अंतर्गत और वाई बी के अंतर्गत आता है जहां एक्स वाई से एक अधिक है संबंध का दृष्टि चित्रण प्रदर्शित किया गया है फलन यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन एक ऐसा नियम या विधि या संगतता होती है जो समुच्चय ए के अवयवों को समूचे बी के अवयवों से जोड़ती है इस प्रकार की एक समुच्चे ए के सभी अवयव समुच्चे बी में अवयवों से जुड़े हुए हों दो समुच्च ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चे बी में एक अद्वितीय अवयव होता है किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होता है प्रतीक रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं एफ ए से बी में एक फलन है अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण पर विचार करें एफ एक फलन है क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है यदि ए और बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हों तो एक फलन एफ एक वास्तविक फलन या एक वास्तविक मान फलन कहलाते हैं अद्वितीय अवयव बी जो बी का अवयव है फलन एफ के अंतर्गत ए के अवयव ए का प्रतिबिंब कहलाता है इसे एफ ए से निरूपित करते हैं अर्थात बी बराबर ए का फलन ए से बी में कोई फलन ए गुणा बी से एक संबंध एफ है इस प्रकार की प्रत्येक ए अवयव है ए का और एक अद्वितीय अवयव बी अवयव है कैपिटल बी का इस प्रकार की ए बी अवयव है एफ के समुच ए फलन एफ का प्रांत कहलाता है और समुच बी सह प्रांत कहलाता है ए के अवयव के सभी प्रतिबिंबों के समुच्चय को ए के फलन से निरूपित करते हैं ये फलन का परिसर कहलाता है स्पष्ट रूप से फलन का परिसर सह प्रांत का एक उपसमुच्चय होता है जो बी के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कुछ फलन और उनके आलेख तत्समक फलन मान लें आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है एफ आर से आर में एक्स का फलन एफ बराबर द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां प्रत्येक एक्स अवयव है आर का तत्समक फलन कहलाता है इसका प्रांत आर है और परिसर आर है अचनर फलन मान लें आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है एफ आर से आर में एक्स का फलन एफ बराबर सी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां प्रत्येक अवयव है R का जहां C अचर है अचर फलन कहलाता है इसका प्रांत आर है और परिसर एकल समुच्चय सी है बहुपद फलन मान लें आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है एफ आर से आर में एक्स का फलन एफ बराबर ए शून्य जमा ए एक एक्स जमा ए दो एक्स की घात दो जमा ए तीन एक्स की घात तीन जमा ए एन एक्स की घात एन तक द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां प्रत्येक एन एक ऋण पूर्णांक ए शून्य ए एक ए दो तो, ए तीन ए एन है जो अवयव है आर का एक बहुपद फलन कहलाता है नीचे प्रदर्शित आकृति बहुपद y बराबर एक्स वर्ग के लिए एक आलेख प्रदर्शित करती है परिमय फलन x का फलन f बराबर एक्स का फलन p बटे एक्स का फलन q रूप का एक फलन जहां x का फलन p और x का फलन q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बहुपद हैं और x का फलन q शून्य के बराबर नहीं है एक परिमय फलन कहलाता है नीचे दी गई आकृति बहुपद y बराबर एक बटे एक्स वर्ग के लिए एक आलेख प्रदर्शित करती है मापांक फलन मान लें आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है एफ आर से आर में एक फलन है जो निम्न के द्वारा परिभाषित है एक्स का फलन एफ बराबर एक्स जहां एक्स अधिक या बराबर है शून्य से एक्स का फलन एफ बराबर घटा एक्स जहां एक्स छोटा है शून्य से महापांक फलन कहलाता है इसका प्रांत आर है और इसका परिसर शून्य अनंत है चिन्ह फलन मान लें आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है एफ आर से आर में एक फलन है जो निम्न के द्वारा परिभाषित है एक्स का फलन एफ बराबर एक जहां एक्स अधिक है शून्य से एक्स का फलन एफ बराबर शून्य जहां एक्स बराबर है शून्य के एक्स का फलन एफ बराबर घटा एक जहां एक्स छोटा है शून्य से चिन्ह फलन कहलाता है इसका प्रांत आर है और इसका परिसर घटा एक अर्थविराम शून्य एक है महत्तम पूर्णांक फलन मान लें कि आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है एफ आर से आर में एक फलन है जो निम्न के द्वारा परिभाषित है एक्स का फलन एफ बराबर एक्स एक्स अवयव है आर का एक्स से कम या इसके बराबर महत्तम पूर्णांक के मान की कल्पना करता है ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है x का फलन f बराबर n, जहां n छोटा या बराबर है x के जो छोटा है n जमा एक से यहां n अवयव है i का जहां i पूर्णांकों का एक समुच्चय है इसका प्रांत R है और परिसर I है फलन वास्तविक फलनों का बीज गणित मान लें एक्स से आर में एक फलन एफ और एक्स से आर में एक फलन जी कोई दो वास्तविक फलन हैं जहां एक्स आर का एक उपसमुच है दो वास्तविक फलनों के योगफल को इस प्रकार परिभाषित करते हैं एक वास्तविक फलन से एक दूसरे वास्तविक फलन के घटाने को इस प्रकार परिभाषित करते हैं एक अधिश द्वारा गुणन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं मान लें अल्फा एक अधिश है तो गुणन फलन अल्फा गुणा एफ को इस प्रकार परिभाषित करते हैं दो वास्तविक फलनों के गुणन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं इसे बिंदुशाह गुणन भी कहते हैं दो वास्तविक फलनों का भागफल एफ जी फलन के भागफल को इस प्रकार परिभाषित करते हैं उदाहरण दूसरी कोटि का एक बहुपद फलन एफ एक्स ज्ञात करें जब एफ शून्य बराबर पांच एफ माइनस एक बराबर दस एफ एक बराबर छ आइए इसे हल करते हैं मान लें एक्स का फलन बराबर ए एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी शून्य का फलन बराबर ए गुणा शून्य का वर्ग जमा बी गुणा शून्य जमा सी बराबर पांच इससे प्राप्त होता है सी बराबर पांच घटा ए का फलन बराबर ए घटा बी जमा सी बराबर दस इससे प्राप्त होता है ए घटा बी बराबर पांच इसे समीकरण एक नाम दें एक का फलन बराबर ए जमा बी जमा सी बराबर छ इससे प्राप्त होता है ए जमा बी बराबर एक इसे समीकरण दो का नाम दें एक और दो को हल करने पर हम प्राप्त करते हैं a बराबर तीन और b बराबर घटा दो इसलिए x का फलन बराबर तीन एक्स का वर्ग घटा दो एक्स जमा पांच मान लें f, g, r से r के ऐसे फलन हैं जो क्रमशः x का फलन एफ बराबर एक्स जमा एक एक्स का फलन जी बराबर दो एक्स घटा तीन द्वारा परिभाषित हैं ज्ञात करें एफ जमा जी एफ घटा जी एफ कुणा जी और एफ जी। हल दिया है एक्स का फलन एफ बराबर एक्स जमा एक एक्स का फलन जी बराबर दो एक्स घटा तीन एफ जमा जी इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है एक्स का फलन एफ जमा जी बराबर एक्स का फलन एफ जमा एक्स का फलन जी बराबर एक्स जमा एक जमा दो एक्स घटा तीन बराबर तीन एक्स घटा दो एफ घटा जी को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है एक्स का फलन एफ घटा जी बराबर x का फलन f घटा x का फलन g बराबर x जमा एक घटा दो एक्स घटा तीन बराबर घटा x जमा चार एफ जी को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है x का फलन एफ जी बराबर x का फलन f गुणा x का फलन g बराबर एक्स जमा एक गुणा दो एक्स घटा तीन बराबर दो एक्स का वर्ग घटा एक्स घटा तीन एफ बटे जी को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है एक्स का फलन एफ बटे जी बराबर एक्स का फलन एफ बटे एक्स का फलन जी बराबर एक्स जमा एक बटे दो एक्स घटा तीन एक्स अवयव है आर का और एक्स तीन बटे दो के बराबर नहीं है वो प्रांत ज्ञात करें जिसके लिए फलन एफ एक्स बराबर दो एक्स वर्ग घटा एक और जी एक्स बराबर एक घटा तीन एक्स बराबर हो हल यहां एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स दो एक्स का वर्ग घटा एक बराबर एक घटा तीन एक्स दो एक्स का वर्ग घटा दो जमा तीन एक्स बराबर शून्य दो एक्स घटा एक एक्स जमा दो बराबर शून्य इससे प्राप्त होता है एक्स बराबर एक बटे दो एक्स बराबर घटा दो अभीष्ट प्रांत एक बटे दो अर्थविराम घटा दो है क्या आप जानते हैं फलन शब्द का प्रयोग गॉडफ्रेड विल लिबनिच ने किया लिबनिच ने एक गणना करने वाली मशीन का आविष्कार भी किया जिससे जोड़ घटाना गुणन भाग और मूल निकाला जा सकता था सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो क्रमित युग्म की समता दो क्रमित युग्मों A, B और सी डी को बराबर कहा जाता है यदि और केवल यदि ए बराबर सी और बी बराबर डी दो समझियों का कार्तीय गुणन मान लें कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी बराबर ए बी इस प्रकार की ए अवयव है कैपिटल ए का और बी अवयव है कैपिटल बी का दो समुच्चयों के मध्य संबंध माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी के मध्य संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उप है और इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है समुच्चय ए से समुच्चय बी संबंध अस्तित्व में होता है यदि और केवल यदि संबंध आर ए और बी के कारण फल का एक उप समच्चे हो समुच्चय ए से समुच्चय बी के संबंध आर में क्रमित युग्मों के सभी पहले अवयवों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है समुच्चय ए से समुच्चय बी के संबंध आर में सभी दूसरे अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है पूर्ण समुच्चय बी संबंध का सहप्रांत कहलाता है परिसर सहप्रांत का एक उप समुच्चय होता है इसका अर्थ है परिसर का प्रत्येक अवयव सह प्रांत का भी एक अवयव होता है फलन यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन एक ऐसा नियम या विधि या संगतता होती है जो समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों से जोड़ती है इस प्रकार की समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में अवयवों से जुड़े हुए हों समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव होता है किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होता है प्रतीक रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं एफ ए से बी में एक फलन है फलनों का बीज गणित एक्स का फलन एफ जमा जी बराबर एक्स का फलन एफ जमा एक्स का फलन जी जहां सभी एक्स अवयव हैं कैपिटल एक्स के एक्स का फलन एफ घटा जी बराबर का फलन एफ घटा एक्स का फलन जी जहां सभी एक्स अवयव हैं कैपिटल एक्स के एक्स का फलन अल्फा एफ बराबर एक्स का फलन अल्फा गुणा एफ एक्स अवयव है कैपिटल एक्स का एक्स का फलन एफ जी बराबर एक्स का फलन एफ गुणा एक्स का फलन जी एक्स अवयव है कैपिटल एक्स के एक्स का फलन एफ बटे जी बराबर एक्स का फलन एफ बटे एक्स का फलन जी दिया है एक्स का फलन जी शून्य के बराबर नहीं है एक्स अवयव है कैपिटल एक्स का